मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था। नमस्कार, जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। मौके के मुताबिक सियासत रंग बदल लेती है, सब जानते हैं, और मौके के मुताबिक ही सियासत रिश्ते भी बदल लेती है। बिहार इसकी प्रयोगशाला रहा है। अब तक यहां आरजेडी और जेडीयू सहित समाजवादी दलों के विलय की बातें हो रही थी। हालांकि विलय का दावा बरकरार है, लेकिन बीजेपी इसमें भी मौका देखने की कवायद कर रही है। सुशील मोदी ने जेडीयू के लिए दरवाजे खुले रखने की बात कही है। बीजेपी को मांझी तो मंजूर हैं ही, अब लालू और नीतीश का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी जेडीयू को ही विकल्प चुनने का इशारा कर रही है। यानी शुरू हो गया है बिहार में रस्साकसी का नया दौर। आज बड़ी बहस में इसी पर हम करेंगे चर्चा। मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था। तो अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। क्या बीजेपी और जेडीयू फिर से साथ आ सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी संभावित जवाब रोमांच पैदा करने के लिए काफी है। और यही सवाल जब सुशील मोदी से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था और कहां निशाना लगाने की कोशिश हो रही थी? मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। वो गरीब दुखिया के लोग के काम को बढ़ाने का कटक कर रहे हैं। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, पर खेल और राजनीति में फर्क ये है कि राजनीति को नियमों के दायरे में नहीं रखा जा सकता। कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में हो रहा है। मोदी मंत्र के सहारे बिहार में भी जीत का हवन करने को तैयार बीजेपी अब जेडीयू के साथ जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रही। सर, अभी भी जदयू के कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए जदयू का। ऐसी पॉसिबिलिटी अब है क्या आपके तरफ से? देखिए, राजनीति में किसी भी बात के बारे में, इसलिए मैंने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं। अभी कोई प्रस्ताव हम लोग को नहीं मिला है। कोई प्रस्ताव आएगा तो उस स्थिति के अंदर पार्टी विचार करेगी। ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उसमें पार्टी विचार करेगी, लेकिन हमारे सारे विकल्प खुले हैं। रास्ते बंद नहीं है इसमें। जी, मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं, समय के अनुसार हम निर्णय करेंगे। पर सवाल इस संभावना के इकरार से ज्यादा उस इनकार को लेकर है जो नीतीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही जता चुके हैं। यानी नीतीश मोदी मंत्र का जाप किसी भी सूरत में करने को तैयार नहीं होंगे। तो क्या बीजेपी का निशाना कहीं और है? दरअसल बीजेपी मैत्री की सीमा के बहाने जेडीयू के अंदर बिखराव की लकीर को और बड़ा करना चाह रही है, क्योंकि जेडीयू के अंदर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर नाराजगी पहले भी दिखी है। और अब जब आरजेडी के साथ विलय की बात हो रही है तो बीजेपी को लगता है कि निशाना नीतीश पर साधने से अच्छा है कि उन्हें साथ लिया जाए जो नजदीक से नीतीश को निशाने पर लेते रहे हैं। जिस तरह से पूरे परिवार को और अपने हमारे सभी साथियों को मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किए हैं, जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इतना विंडिक्टिव, इतना गंदा लीडर, इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। लालू यादव भी इस तरह से किसी के साथ नहीं किए। उनके भी एमएलए हम लोग के साथ थे, उन्होंने कोई शोकॉज तक नहीं किया। उधर आरजेडी को लगता है कि जेडीयू के अंदर नाराजगी की खाई इतनी गहरी नहीं होगी कि उसमें बीजेपी विरोध के सपने डूब जाए। वो विफल हो जाएंगे, ऐसी वो दूरे दूरे भटकेंगे जो हमरा में आ जाइए, हमरा में आ जाइए, अब क्या जाएगा वही। तो इसलिए नई मुख्यमंत्री हम लोग के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बिहार का। वो गरीब दुखिया के लोग के काम को बढ़ाने का कटक कर रहे हैं, तो इसलिए उनका दरवाजा खुला ही रह जाएगा, उनका न्योता कोई नहीं स्वीकार करेगा। सबसे पहले मोदी जी से तो ये पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से इसकी इजाज़त ले ली है। जहाँ तक जदयू की बात रही तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था, तो वापस फिर गठबंधन होने की नौबत कहाँ? अरे, गठबंधन की हमारी तरफ से कोई बात ही नहीं हुई है, हास्यास्पद बात है। ऐसी बातें वही लोग करते हैं। संभावनाओं के इस खेल में आगे जो भी हो, फिलहाल बीजेपी ने ऐसी चाल चली है जिसमें मोहरे जेडीयू के होंगे। साकेत कुमार और अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आखिर होलिस्टिक पिक्चर क्या इमर्ज कर रहा है इन तमाम बयानों से, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि मिश्रा जी, नेता जेडीयू के, संजय मयूख जी, नेता बीजेपी के, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, नेता आरजेडी के, और प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, नेता आरएलएसपी से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय मयूख जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करना चाहूँगा कि इन बयानों से क्या तात्पर्य, कहीं पर आप निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली कहाँ थोड़ा बताएंगे? कोई निशाना नहीं है, हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ जनता है। क्योंकि 2010 के चुनाव में जब हम गए थे तो हमने साफ तौर पे कहा था एक अच्छा प्रशासन देंगे, एक अच्छा शासन देंगे। लेकिन इन लोगों की जो लूड़ा कुश्ती चल रही है मांझी जी और नीतीश जी की, और जिस तरह से बिहार बदहाल होता जा रहा है, वास्तविक कुश्ती नहीं, आप कह रहे हैं शैडो बॉक्सिंग है, लूड़ा कुश्ती है, दिखावा है। लेकिन डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेज जिन लोगों की बात हो रही है, जो जंगल राज और आतंक राज का आज मिलन हो रहा है, उसमें मांझी जी तो बहुत छोटे मतलब मुख्यमंत्री का पद इन्होंने दे दिया है, लेकिन वो नहीं कहा जाता है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लगातार ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मांझी जी की सरकार को चलाया जा रहा है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारे विकल्प खुले हैं, तो विकल्प उन लोगों के लिए नहीं खुले हैं जिनको मोदी जी स्वीकार नहीं है। जिसको नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकारेगी। यह वन लाइनर हमारा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए है जो लोग नरेंद्र मोदी को स्वीकारने में हिचकते हैं। देश नरेंद्र मोदी को इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आज की तारीख में भी जदयू में कई ऐसे नेता हैं जो इस बात से तस्दीक नहीं रखते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाए, और शायद आपको इस बात का अंदेशा है कि ऐसे लोगों की तादाद बड़ी हो सकती है और ये भविष्य में भाजपा को मदद पहुंचा सकते हैं। हो नहीं सकती है जो दिख रहा है, ये लगातार इनका जनाधार घटते जा रहा है, लगातार विधायकों की संख्या, हम तो 91 से 177 पहुंचे, हम 91 से 177 पर पहुंचे, ये कहां पहुंचे, इनके तो 2 सांसद जीते, तो इनका तो वही हाल है कि रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, इनकी पार्टी तय नहीं, इनका कुछ भी तय नहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, खतरे की घंटी लग रही है आपको? बिल्कुल नहीं, इन्होंने बहुत स्पष्ट किया चीजों को। बिल्कुल नहीं, यही इनका असली चेहरा है 1975 के बाद। असली चेहरा क्या, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, हकीकत है और असली चेहरा है क्या? 1975 असली चेहरा क्या, अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने की बात? नहीं नहीं, पार्टी 1975 के बाद अगर कोई एक नेता जिसने आपके विधायकों को अपने पाले में लाना, ये है असली चेहरा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे उस पर भी आ रहा हूँ। 1975 के बाद किसी एक नेता ने अगर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करी है, वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। लालू जी ने नहीं करी? नहीं नहीं, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, इशू बेस्ड, इसलिए लालू जी ने भी करी, लालू जी ने भी करी, वो भी एक, तो दो नेता कह सकते हैं। बिल्कुल, दो नेता कह सकते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने एक मुद्दे पे हम लोग भाजपा से आज अलग हुए, और आज इनके नेता, मोदी जी जैसे नेता जो स्टेट के सबसे बड़े नेता हैं, उनका कहना कि जेडीयू भी हमारे संपर्क में या हमारा अलायंस हो सकता है, हंसने वाली बात है। जनता दल यू कभी भी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी रूप में अलायंस नहीं करेगी, और जो इनका सपना है और जो इनकी सोच है कि हम इलेक्शन में हमारी सरकार होगी, ये हमेशा की तरह सपना देखते। आपको बातें हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन जैसी जैसी जिस जो राजनीति की हालात अभी हैं फिलहाल यहां पर, आप इस बात को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अगर विलय होता है तो आपके तमाम विधायक आपके पाले में ही रहेंगी? बिल्कुल, 100% 100% लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ 8 को छोड़कर, जो आठ विधायक राज्यसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के सह पर और कई तरह से उनको लोभ दिया गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं इशारा उन 8 विधायकों की ओर ही कह रहा था, वजह कि 8 विधायकों को भी कहीं ना कहीं एक ब्रीदर मिला है कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। तो हमने अपील कर दिया है, आपने अपील जरूर किया है, लेकिन फिलहाल आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ब्रीदर मिला है इन तमाम विधायकों को, जिसके खिलाफ ये इनका मानना है कि एक टोटालिटेरियन डिसीजन हुआ था इनके खिलाफ, सुनी ही नहीं गई थी? कुछ हो सकता है, मैं एक चीज आपसे बोलना, लीगल पॉइंट पे नहीं जा रहे हम, नहीं, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर हम एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा उन विधायकों का जिनके दिमाग में शायद ऐसी विचार कभी होंगे कि भाई भाजपा के साथ रिश्ते तोड़ना गलत था। आप लोग जो है हमेशा जो है बोलते हैं हाई मॉरल ग्राउंड राजनीति में होनी चाहिए, लीगल पॉइंट कुछ हो सकता है, लेकिन 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 नहीं नहीं, लेकिन वो जो 8 विधायक हैं
जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया, क्या उनको भारतीय उनको और जिनको इन लोगों ने सपोर्ट किया, क्या वो इमोरल नहीं था? लीगल पॉइंट पूछ सकता, क्या वो इमोरल था कि नहीं? क्या था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ, वो अलग चीज है, लीगलिटी अलग मुद्दा है। मोरलिटी नीतीश कुमार जी की तब कहां गई थी जब आप भाजपा के साथ रहते हुए भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे थे? संजय मयूख जी, मेरी बातों से भाजपा के खिलाफ नहीं, मैं केवल एक चीज बताना चाहता हूँ, हृदय पर हाथ रख के, ऋषि जी बड़े बुद्धिजीवी हैं, ऋषि जी बहुत अच्छे छात्र रहे हैं और आज विधानसभा में हैं, लेकिन हृदय पर हाथ रख के बात करें, राजीव रंजन किस पार्टी के नेता हैं? राजीव रंजन विधायक 8 से इतर की बात मैं कर रहा हूँ। ब्रिसन पटेल किस पार्टी के नेता हैं और श्याम रजक जी किस पार्टी के नेता हैं? ये कौन सी पार्टी चल रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, थोड़ी सी मजबूरी है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे। मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था। मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। रस्साकसी पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। संजय मयूख जी, क्या मायने निकाले जा सकते हैं, कुछ तात्पर्य आप निकाल सकते हैं इस बात से कि जब बयान आया सुशील मोदी जी का, उसके बाद जीतन राम मांझी देखने पहुंचे, कल भी जा सकते थे, कल नहीं पहुंचे थे जीतन राम मांझी मिलने सीएम नीतीश कुमार जी से, इसके कुछ मायने निकाले जा सकते हैं क्या? कोई मायने नहीं है। अभी तो मैं सवाल ही खड़ा कर रहा था कि जितने नाम हमने गिनवाए, ये सब नाम अलग अलग लोगों के हैं। शरद यादव जी का जदयू, नीतीश कुमार जी का जदयू, जीतन राम मांझी जी का जदयू, इनके लोग हैं और ये लगातार मंत्री, यदि मुख्यमंत्री को नहीं मान रहा, इसमें बीजेपी को क्यों दर्द होगा? ये बिहार का दर्द है। जीतन राम मांझी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, बिहार का ये दर्द है, चर्चा में हम दर्द है। डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, हम आप तक आते हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, अब तक जो हमने चर्चा की उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? एक दौर हमने ऐसा भी देखा था जब जदयू ने राजद को पूरी तरह से तोड़ दिया था, बहुत सारे आपके विधायक जो हैं वो बागी हो गए थे। आपको नहीं लगता ऐसे ही हालात एक बार फिर से पनप रहे हैं, उभर रहे हैं, और इस बार शायद राजद और जदयू के उन तमाम नेताओं पर भाजपा की नजर है जो चाहते हैं कि ये विलय ना हो? शिवपूजन जी, ये सबसे पहले बिहार में ऐसा हो रहा है कि हर जगह पे नरेंद्र मोदी एजेंडा रहते थे, नरेंद्र मोदी एजेंडा तय करते थे बीजेपी का, और सारे लोग उस पर रिएक्ट करते थे। बिहार में ये पहली बार हो रहा है, हो सकता है कि बिहार का बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन इतना कमज़ोर हो कि एजेंडा आज जनता परिवार तय कर रहा है और उस पर रिएक्ट बीजेपी कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है लेयर का। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज जिस तरह की बात फिजा में फैलती है कि विलय का ये डेट है या फिर पार्टी टूट रही है, हम ऑफर देते हैं, क्या ये सफली इससे कंक्लूड नहीं किया जा रहा है कि आज बीजेपी पूरी तरह से बिहार में डिफेंसिव हो रही है? आज वो डिफेंसिव होकर क्या लगता है, क्यों डिफेंसिव बीजेपी होगी बिहार में? महाराष्ट्र में बीजेपी का जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखा, जम्मू कश्मीर में जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखा, हरियाणा में जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखा, पड़ोसी राज्य जहां पर आप कांग्रेस और नीतीश जी, तमाम तीनों पार्टियां, कांग्रेस, जदयू, राजद, ये 7 चुनाव लड़ी, लेकिन क्या हश्र हुआ? एक ही ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबरेज है भाजपा, और वो कह रहे हैं अब तो मिशन 185 दे दिया, पहले मिशन का टारगेट कम था इनके लिए। शिवपूजन जी, मार्क करेंगे, ये सारे जगह जहां के आप नाम लिया, आपने लोकसभा का नाम छोड़ दिया, लोकसभा से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, हर जगह पे बीजेपी 31-30% वोट लाकर सिमटी है, और बाकी जो 69-70% वोट हैं वो करीब करीब मोर और लेस, जिसका आधार आप जवाब देना चाहते हैं, सेकुलर। एक मिनट में मुझे फिनिश कर, हम आपके पास आते हैं, लेकिन वो 70% जो वोट हैं
पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस 70% में बहुत बड़ा हिस्सा आज एक साथ आकर मिला है। न वो हरियाणा में था, न वो महाराष्ट्र में था और न झारखंड में। तो फिर देरी क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये जनता भी आपसे पूछना चाहिए, देरी क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिकल लालू जी एक बयान देते, देखिए दो दिन पहले का बयान था, शरद यादव जी का कहना था कि इसकी लीव बिहार में रख देनी चाहिए और राजद और जदयू का विलय हो जाना चाहिए। चंद मिनटों में लालू जी का दूसरा बयान आता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है, आज भी ऐसा बयान दिया उन्होंने। पूजन जी, विलय एक बात है, ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल मिल चुकी है, पर्सन बाय पर्सन, वर्कर बाय वर्कर। इस बार भी दो राय नहीं कि जो हालात फिलहाल उत्पन्न हुए हैं उसमें ये दो पार्टियां साथ में चुनावी मैदान में उतरेंगी। विलय को लेकर के एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा है, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या दोनों ही पार्टियों को यह भय सता रहा है कि अगर विलय की घोषणा कर देते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं फेंस सिटर्स जो दूसरे और दूसरी तरफ जा सकते हैं, बीजेपी का रुख कर सकते हैं? और आज तो सुशील मोदी जी ने खुल करके निमंत्रण दे दिया एक तरीके से बीजेपी से लड़ने का। विलय एक स्ट्रेटजी है। विलय सुमन जी आपकी टिप्पणी चाह रहे हैं, हम आपके पास भी आएंगे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता दल यू और आरजेडी का जो विलय है, ये जनता दल यू का कभी भी विलय हो ही नहीं सकता है। और एक दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इस बात पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, क्यों नीतीश जी जा सकते हैं लालू के साथ, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि इनके दो दर्जन से ऊपर तीन दर्जन विधायक जो है वो जनता दल यू पार्टी बरकरार रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम स्पष्ट में कहता हूं कि जनता दल यू का विलय जो है से आरजेडी के साथ नहीं होगा, जो भी नामकरण करने, लेकिन इनके दो से तीन दर्जन विधायक जनता दल यू में रहेंगे, उनका विलय नहीं होगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज के मुद्दा पर भी जो है से लालू यादव कभी भी शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पसंद नहीं करेंगे। और आपके ही चैनल में ये लालू जी ने कहा है कि ये जो ऐसे शरद यादव को समझने में 100 वर्ष लगेंगे तभी आप लोग नहीं समझोगे। इसलिए निश्चित तौर पर जो ऋषि मिश्रा जी, मैं बहस को जिस मुकाम पे लेके जाना चाहता था उस मुकाम पे बहस पहुंच चुका है, आपकी टिप्पणी चाहिए। इन्होंने इशारे इशारे में कह दिया जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड ही रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि सुशील मोदी जी का निशाना बिल्कुल वही है? बिल्कुल नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि एनडीए के दोनों जो दोनों पार्टनर्स हैं, इनको अपनी पार्टी अपने अलायंस को छोड़कर हम क्या कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा चिंता है। वो तो अगर हमारा हमारे मर्जर में अगर हमारे मर्जर में लेट हो रही है तो इनको एडवांटेज मिलेगा। क्यों परेशान हो रहे हैं ये? क्योंकि मिश्रा जी चर्चा करना चाह रहे हैं डिले क्यों? क्योंकि आपके मर्जर के डिले को लेकर के आखिर था कि मकर संक्रांति आते आते हम लोग विलय कर लेंगे। किसने दावा किया था? किसने बोला? किसने दावे बोला? सुशील मोदी जी ने दावा किया था। किसने ऋषि मिश्रा जी आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं कि तारीख की भले ही घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन परसों के जो बयान थे, जिस तरीके से शरद यादव कद्दावर नेता है, आपको बयान हल्के फुल्के बयान तो होते नहीं, बिल्कुल नहीं, भारी भरकम बयान माने जा सकते हैं, उनके बयान और लालू प्रसाद यादव के बयान पृथक क्यों थे? लालू जी भी हमारे अलायंस के बहुत बड़े नेता हैं। आपस में बातचीत नहीं होती है। गौरतलब है ऋषि मिश्रा जी, गौरतलब है जब दिल्ली में रैली हुई थी उसी वक्त नीतीश जी का वो बयान कि हमने अब जो है दूरियां मिटा दी हैं और अब विलय की प्रक्रिया शुरू होगी, तब से लेकर के अब तक राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। तब से लेकर के अब तक झारखंड चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। आपको नहीं लगता वाकई बहुत देर हो रही है और इस वजह से आपके विपक्षियों को मौका मिल रहा है? देर नहीं हो रही है, देर नहीं हो रही है। ये सिर्फ आपके चैनल और स्टोरी और अखबार में आने के लिए सुनिए, अपने मजबूती के लिए जवाब देने दीजिए। नहीं, आप जवाब दें। हमारा कल क्या बोला आपको लालू जी ने कि हमारा मर्जर हो चुका है, अब ऑफिशियली ऑन पेपर होना, लीगली होना है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। 6 पार्टियों का विलय होगा,
किसी एक दो पार्टी का नहीं हो रहा है विलय, छह पार्टियों का विलय होना है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और क्या बात है, हमारा तो मर्जर हो गया है, हम एक होके लड़ेंगे। संजय मयूख जी, छह पार्टियों का विलय, ये बात तब आती है जब शरद यादव एक बयान पहले ही दे चुके होते हैं कि कम से कम इसकी कवायद, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसकी कवायद बिहार से हो जानी चाहिए, यही था बयान शायद। देखिए लगातार हम पे आपत्ति आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पे आपत्ति आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों का अतीत बड़ा खराब है, बहुत ही खराब। 77 से लेकर 8.5 साल रहे तब आपको अतीत इनका नहीं पता था। सुन लिया जाए, शिवपूजा जी सुन लिया जाए, 77 से लेकर आज तक, आज जो लोग मिलने जा रहे हैं, इन लोगों ने 2010 के चुनाव में हमारे साथ मिलकर धोखाधड़ी की बिहार की जनता के साथ। आतंक राज आपको याद होगा, सनद रहे आपको, आपने कहा, जब हमने कहा था कि इन्होंने जंगल राज कहा था तो इन्होंने कहा था जंगल राज नहीं, हमने आतंक राज कहा था। इनके दल भले मिल रहे हो, इनके दिल नहीं मिल रहे हैं, ये बिल्कुल। तभी तो ये सवाल ऋषि मिश्रा जी लाजमी है कि दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं, कार्यकर्ता किस तरीके से मिलेंगे। और शायद यही डर आपको समझना पड़ेगा, यही डर आपको सता रहा है कि अगर विलय करेंगे तो कहीं विलीनता की ओर तो नहीं अग्रसर हो जाएंगे। संजय मयूख जी को एक चीज को समझना पड़ेगा, जनता दल यू हो चाहे आरजेडी हो, हम लोग एक ही स्कूल के ही विद्यार्थी रहे। इनको 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 आश्चर्य उस वक्त करना चाहिए था कि किसी कारणवश हमने इनके साथ अलायंस किया। दो दशक इनको आश्चर्य उस समय करना चाहिए था, हम तो एक ही स्कूल के, क्यों रखा हम था? एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे। जनता भी तो आपसे सवाल करेगी ऋषि मिश्रा जी, फिर दो दशकों तक आपने अपने सिद्धांत की बलि क्यों चढ़ाई? क्योंकि आज अवसरवादिता के सामने मुद्दा बहुत बड़ा है। आज ऐसे 8.5 साल तक आपको, 8.5 साल तक आपको ये मुद्दा नहीं ध्यान में आया था? नहीं, 8.5 साल ये इनको हम लोगों ने बाहर रखा था। बिहार घुसने एक अखबार में, बिहार घुसने में दिया था, इश्तिहार के छपने के बाद ही जिस नेता का नाम लेते हैं, जिस नेता का नाम, ऋषि मिश्रा जी, सवाल तो ये भी लाजमी है, ऋषि मिश्रा जी, सवाल तो ये भी लाजमी है कि क्यों आखिर किसी अखबार में उस इश्तिहार के छपने के बाद ही नीतीश कुमार को या जदयू को ये भान होता है कि इससे तथाकथित सेक्युलरिज्म पर खतरा है, और उसके बाद भाजपा के सामने से उसका पत्तल छीना जाता है। कोई एक्शन होगा उसी पे तो उससे रिएक्शन होता है। एक्शन तो अभी गोधरा बहुत पहले हो चुका था। चलिए हम विषय से भटक रहे हैं, लेकिन आज बात करते हैं रामविलास पासवान, रामविलास पासवान के साथ ये अलायंस करते हैं। वही रामविलास पासवान बोले कि 2002 में क्यों अलग हुए थे एनडीए से। एक मिनट, वही एलजेपी, वही एलजेपी आज के दिन बोले कि 2002 में क्यों अलग हुए थे एनडीए से। जो अटल जी की सरकार, जवाब देंगे संजय मयूख जी, जवाब देंगे आप, साथ लेकर चलेंगे। किसने अटल जी की सरकार कर लिया? संजय मयूख जी से जवाब लेते हैं। संजय मयूख जी बात नहीं करते, जीतन राम मांझी विकास के एजेंडे पर आएंगे तो हम उनको स्वीकारेंगे। हमारा एकमात्र एजेंडा है। इनका सवाल दूसरा था, इनका था रामविलास पासवान जी को लेकर के, ये लोग साथ लेकर चलते हैं। रामविलास पासवान जी विकास के एजेंडे पर देश के साथ हुए, नरेंद्र मोदी का साथ है, जो नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर चलेगा। सुमन जी, आपको क्या लगता है रामविलास पासवान जी को एकाएक ये ज्ञात होता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के मुद्दा पर अगर नीतीश कुमार को अलग होना चाहिए था तो जिस समय गोधरा में कांड हुआ था, रेल दुर्घटना हुआ था, उसी समय रेल मंत्री साल 9 साल सरकार में था। आपसे थोड़ा गंभीर सवाल मैं करना चाहता हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है यहां की राजनीति, खासतौर से बिहार की राजनीति। कहा जा रहा है कि राजनीतिक कॉल्ड्रोन है ये बिहार। मैं आपसे समझना चाहता हूं, दो विचित्र सी स्थिति बिहार के संदर्भ में देखने को मिलती है। आप भाजपा के साथ रहते हैं और अब आप राजद के साथ हैं। आम जनता को इतना बेवकूफ आखिर राजनेता क्यों समझते हैं? कैसे जस्टिफाई करेंगे या तो भाजपा के साथ रहना, या फिर दो दशक की जो दुश्मनी थी उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? दूसरी ओर दूसरा सवाल ये भी आप पर उठेगा, जनता ही आपसे पूछना चाहेगी कि अब जब लालू जी के साथ जब कोस कोस कर कहा था कि जंगल राज मैंने नहीं कहा था, आतंक राज कहा था, जस्टिफिकेशन कहां से आएगा? डॉक्टर अशोक, पहली बात तो कि मैं ये बता दूं कि जो आपने पहला प्रश्न किया कि नीतीश जी का को रियलाइजेशन इतना लेट क्यों हुआ, मुझे लगता है कि जिस एडवर्टीजमेंट की बात आप कर रहे हैं जी, उसके बाद 2010 में बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव होने वाला था बिहार में, उसके और उसी बाद उसके बाद इश्तिहार छपा था, उसके बाद हरियाणा में हाथ मिला। मैं जरा समय कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं टोकता नहीं हूं किसी दूसरे को। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने तब रियलाइज किया
कि भाजपा कॉमनल तो हो सकती है, हाथ मिलाते हुए रियलाइजेशन नहीं हुआ फोटो छपने के बाद में। हाथ कैसे उसके अलावा, उसके अलावा जो सबसे एक बहुत पॉइजनस, थोड़ा सा उसको जरा सा एक्सप्लेन कर दें, हाथ मिलाते वक्त ये एहसास नहीं हुआ, जब वो फोटो वो तस्वीर छप गई अखबार में तब एहसास हुआ। ये सेक्युलर से परे आप इस चीज को तो बोलिए, हाइपोक्रेसी। जब हम सारे आले छपा था, वो भाजपा की में छपा था, पटना में नहीं छपा था, पटना में छपा तो रहे बहुत तीता लगने लगा था भाजपा की हाइपोक्रेसी। मैं मूल सवाल जो मैंने आपसे किया जी मूल सवाल जो मैंने आपसे किया है कि जनता के सामने आखिर क्या मुंह लेकर के जाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करें कि दो दशक की दुश्मनी या फिर इधर 17-17.5 साल का जो बीजेपी के साथ नाता था, दोनों में सही कौन था, ये यही समझाइए आप। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का सोशलिस्ट के प्रति, सोशलिज्म के प्रति जो रूटिंग है, तो 17 साल वो सोशलिज्म का तो पाठ पढ़ा ही नहीं उन्होंने, वो यही कैसे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा, वो जब सत्ता में गए भुला गए। मैं समझता हूं कि गोधरा के बाद जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था 2002 के बाद, 2002 के बाद आप सत्ता तो भोगने के तैयार हैं, आप जरा सत्ता भोगने के लिए तैयार हैं आप। सिर्फ पूजन जी, 2002 के बाद जब गुजरात में कार्नेज हुआ, जो नरसंहार हुए, उसके बाद थोड़ा आत्मावलोकन का भी टाइम वक्त मिला, और तब नीतीश कुमार जी ने इतना कस के बदला लिया, नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी सत्ता में थे उसी समय, मैं समझता हूँ को सुन लेते जिस समय नीतीश कुमार जी सत्ता में, एक मिनट जरा सा टोकी अशोक जी को सुन लेते हैं फिर आपके पास। जिस समय नीतीश कुमार सत्ता में थे उसी तरह से, उसी समय नीतीश कुमार जी ने भाजपा के आगे से जो थाली छीनी, क्या ये कम बड़ा सबूत था कि वो सेकुलर हैं? उसके बाद जिस तरह से, जिस बुरी तरह से थप्पड़ मार के भगा दिया बीजेपी को, बीजेपी को जिस तरह से थप्पड़ मार के भगा दिया, ये एनफ था साबित करने के लिए कि वो सेकुलर निरपेक्षतावादी लोग हैं। ऋषि मिश्रा जी, चलिए विषय से हम भटक, विषय से हम भटकेंगे नहीं, लेकिन आपसे अहम सवाल हम ये जरूर करना चाहते हैं। हाल के बयानों से, जीतन राम मांझी जी के हाल के बयानों से ये तात्पर्य निकाला जा रहा था कि सरकार में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल। यह भी कहा जा रहा था नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की दूरियां काफी बढ़ती चली जा रही हैं। गौरतलब है कि हमने देखा कि जिस तरीके से राजनीति अभी चल रही है बिहार में, किसी भी भाजपा के बड़े नेता को या भाजपा की किसी भी नेता को हमने जीतन राम मांझी को आड़े हाथों नहीं लेते देखा है। इससे क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कहीं ना कहीं डोरे डाल रही है भाजपा जीतन राम मांझी पे, और ना सिर्फ जीतन राम मांझी पे बल्कि उन तमाम लोगों पे जो विलय के खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी हमारे सरकार के मजबूत सीएम हैं, इनका सपना ही सपना रह जाएगा। जीतन राम मांझी का अपने हर एक भाषण में, जीतन राम मांझी, मैं बता दूं त्यागी जी का इंटरव्यू हमने दिखाया, कद्दावर नेता हैं आपके, हाँ बिल्कुल केंद्र में बैठते हैं, हाँ? उनके बातों को जो है माना जाए कि वजन होता है उनकी बातों में, उनका बयान खास तौर से ये आया कि कब तक रहेंगे जीतन राम मांझी, इस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, ये अब वो कैसे करेंगे, तो प्लेन स्पीकिंग थी, वो कैसे करेंगे, जनरल सेक्रेटरी और क्या वो कैसे करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ के मेले फैसला करेंगे, यहाँ पर फैसला होगा, यहाँ पर फैसला होगा, सिर्फ यहाँ पे फैसला होगा जी। सिर्फ आपको वो प्लेन स्पीक लगता है, सिंपल भाषा, शरद जो है यादव जी भी इस तरीके से प्लेन भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, केसी त्यागी जी भी कर लेते हैं, आपको सिर्फ प्लेन भाषा लग रहा है संजय भाई? कोई प्लेन भाषा नहीं है, इन लोगों के पेट में दर्द है कि एक महादलित का व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री बन गया। ये देखिए अंत्योदय का मामला है, यदि सुशील मोदी जी ने कहा है, सुशील मोदी जी आप लोगों ने बनाया, तो जीतन राम मांझी आप क्यों बार-बार, ऋषि मिश्रा जी तो फिर जीतन राम मांझी धमकी भरे अंदाज में क्यों कहते हैं कि हमारी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम 22% कह रहे हैं, हमको तो नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी के नेता है, किसको कह रहे हैं, वो पार्टी के नेता है, किसको कह रहे हैं, अपने ऑडियंस को बोल रहे हैं। अगर श्याम रजक जी का बयान आया है
कि क्या दलित मुख्यमंत्री न होते हुए भी दूसरे मुख्यमंत्री क्या दलितों का सेवा नहीं कर सकते हैं, दलितों का विकास नहीं कर सकते हैं? तो श्याम रजक जी का बयान नहीं था, श्याम रजक जी उनके प्रवक्ता भी हैं और उनके मंत्री भी हैं। क्या जरूरत थी जीतन राम मांझी जी को ही, क्या जरूरत थी कि नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करें और उसके बाद इस बात का भी एहसास कर छोटे से ब्रेक की, लेकिन ऋषि जी जब हम वापस ब्रेक से आते हैं तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता राजनीति में। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था। मैंने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। इतना विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता राजनीति में। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रस्सा कशी। अभय न सुमन जी, आपको मौका नहीं दे पाए थे और आप ही से हम सवाल करना चाहते हैं कि इस रस्सा कशी की वजह क्या आप मानते हैं? देखिए, रस्सा कशी का वजह स्पष्ट है। आप स्पष्ट ये है कि ये आरजेडी के लोग कभी बयान देते हैं कि ये सीएम जो है से जीताराम मांझी बहुत अच्छे हैं, वहीं से इनको जो है ना से उपस्थित किया जा रहा है। और दूसरी बात रही ये जनता दल की, तो जनता दल का एक बहुत बड़ा खेमा है, वो जो ऐसे विलय के आरजेडी के पक्ष में नहीं है और जनता दल का विलय नहीं होगा। दूसरी बात है कि आप जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने बोले कि ये जो ऐसे दलितों का सेवा जो ऐसे हम जिस तरह से कर रहे हैं, अगर अगला मुख्यमंत्री कोई दलित समाज से ही होते हैं तो उसका सेवा निश्चित तौर पर दलितों का विकास होगा और पूरे बिहार का विकास होगा। उसमें अगर आपको पार्टी के उनके ही कैबिनेट के मंत्री श्याम रजक द्वारा बुलाया गया है कि क्या दलित ही जो ऐसे दलितों का सेवा कर सकते हैं, क्या दूसरा मुख्यमंत्री? विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास ही नहीं है। विरोधाभास से आखिर क्या परिलक्षित होता है? माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जीताराम मांझी को हल्का किया जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है, एकदम स्पष्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो एक मुख्यमंत्री के अंगेस्ट में उसके कैबिनेट मंत्री बोलता है, दूसरा जो होता तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता, एकदम स्पष्ट। इसलिए ये नीतीश कुमार जी या जो भी पार्टी के जो लीडर हैं वो जो ऐसे श्याम रजक जी से इन बयानों से ही ऋषि मिश्रा जी, क्या ये तात्पर्य निकाला जा सकता है कि जो जीतन राम मांझी जी ने आज से कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि तमाम मंत्री उनकी बात सुनते ही नहीं, बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी इशू पे हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन एक चीज आप लोगों को मानना पड़ेगा, जीतन राम मांझी के किन से पट रहा है नहीं पट रहा है, ये आप लोगों के लिए या हमारे जो साथी हैं भाजपा वाले, चाहे इनके जो अलायंस है इनके लिए हो सकता है। जनता हमारे नेता हमारे आज के दिन में मजबूत मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी जी, और हमारे दो नेता आदरणीय श्री मुख्यमंत्री आप कहते हैं, लेकिन केसी त्यागी जी को नहीं पता कि वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हम लोग लीड कर रहे हैं, जिस रास्ता पे वो लोग हम लोगों को ले चलेंगे हम लोग उसी रास्ते पे चलेंगे। इन लोगों को देखिए बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है ऋषि मिश्रा जी, चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इस बात को तो कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जी ले चलेंगे उस रास्ते पे जाने के लिए आप तैयार हैं, ये आप कह रहे हैं। सब तैयार है, लेकिन सब कौन? सब तैयार है, सभी तैयार। ज्ञानू जी का बयान हमने आपको दिखाया, आठ कैसे बाहर संपर्क में है, इन्होंने लोग बाहर जोर से आपको, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आज के पहले भी कई ऐसे बयान भाजपा के कई कद्दावर नेता दे चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जदयू में राजद में जो लगातार उनके संपर्क में हैं। आपको अंदेशा भी है इनकी तादाद कितनी हो सकती है? शिवपूजन जी ऐसे एमएलए हैं जो अपने आप को बेचने को तैयार हैं और ये वो हैं जो उसको तैयार है। ऐसे आठ लोग हैं, ऐसे आठ लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं, मैंने राजीव रंजन जी का नाम लिया, तैयार है और आपको डर सता रहा है। कई लोग हैं और कई लोग हैं, अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली। डॉक्टर अशोक से पूछते हैं, अशोक जी इसके पहले भी हम बिहार को जंगल राज के अंदर जाने नहीं देंगे। डॉक्टर अशोक इसके पहले भी आप नकारते रहे थे, आपने कोशिश की थी, ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से आप भी ग्रसित थे, आपने सच्चाई को नजरअंदाज इसके पहले भी करने की कोशिश की थी और तब
लालू जी को भागकर दिल्ली से यहां आना पड़ा था, रिक्शा पकड़ करके वो पहुंचे थे राजभवन, ये कहते हुए कि धान का रोटी तावा में नीतीश गई हवा में। आरोप लगाया था तब कि नीतीश ने पूरी पार्टी को तोड़ने की साजिश की थी। इतिहास बीत चुका है, लेकिन इतिहास कभी कभी रिपीट भी होता है। मेरा सवाल आपसे डॉक्टर अशोक, क्या वो जो कुछ भी लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था, आप गारंटी इस बात की ले सकते हैं क्या? कितनी मजबूती से आप कह सकते हैं कि वो फिर दोहराया नहीं जाएगा? लालू जी ने क्या पार्टी में जंगल राज का मंगल गान करें? लालू जी ने आज क्या मैं आपके नेशनल चैनल के मंगल गान में लगे डॉक्टर अशोक को सुन लेते हैं। नेशनल चैनल के माध्यम से ये आपको गारंटी देता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता होगी, जब तक यहां का एक एक आदमी समृद्धि पे नहीं आएगा, तब तक हमारा जनता परिवार अब एक रहेगा। और ये जो घटनाएं हो रही है जरूर जवाब देना चाहूंगा। कंप्लीट करने दीजिए, अवसरवादी को आप लोग हैं महाराज, ये जो पूरी घटना है, एक एक कर बोलते हैं, ये जो पूरी घटना है ये केवल भाजपा का माइंड गेम है। एक तरफ भाजपा कहती है कि ये जीतन राम मांझी रोबोट है, दूसरी तरफ रिमोट से चलता है, दूसरी तरफ वही भाजपा लगता है कि पूरी तरह से कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रही है। और मैं पूरी तरह से एक जिम्मेवार जरा सा कंप्लीट एक पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि भाजपा इज ए डिवाइडेड हाउस। वो ये छोटे बिहारी मोदी की कुर्सी जब अपने खुद के रैंक एंड फाइल में जो वहां का जो फूट सोल्जर है, वहां का जो फूट सोल्जर है, वहां का जो फूट सोल्जर है, आज वो सुशील मोदी के खिलाफ है। सुशील मोदी जी इसी टेम्पो को ऊपर करने के लिए इस तरह का कंट्राडिक्टरी पूरी तरह से माइंड गेम तो तैयारी में जुट रही है। चलिए संजय मयूख जी, तमाम जो आरोप आप पर लगाए राजद द्वारा, कंप्लीट कर लो, जरा सवाल कंप्लीट करने दीजिए। आपका डिवाइडेड हाउस है, आपका डिवाइडेड हाउस है, एक मिनट संजय मयूख जी से सवाल किया है, जरा सा कुमार जी को जो भाजपा गाली मत दीजिए, जरा सुन लीजिए, एक मिनट, आपने अपनी बात पूरी कर ली है, संजय मयूख जी को मौका देना चाहिए। भाजपा में जो सबसे जो परिश्रम करने वाला तबका है, मैं क्लियर कर दूं, जो ब्रह्मर्षि समाज का तबका है, वो आज रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के किसी की बात सुनाई नहीं पड़ पाएगी। एक करके बोले सुशील मोदी का लीडरशिप, एक मिनट सुशील मोदी का अभी तक सुशील मोदी को इन्होंने सीएम कैंडिडेट के रूप में उनकी घोषणा नहीं की है। लोकसभा के चुनाव में चारों खाने आरजेडी के जनता दल के लिए लोग चीत हो गए हैं, खिसियाली बिल्ली खमा नोचे। लेकिन उपचुनाव के नतीजे, उपचुनाव के नतीजे तो उनके पक्ष में जाता है। उपचुनाव क्या होता है, उपचुनाव में तो उस समय भी दिखाई दिया। मोदी ने कहा ये सेमीफाइनल है, नीतीश कुमार जी अपने आप को ताकतवर करते हैं, बिहार की राजनीति से। एक मिनट ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ। डिफेंसिव हो चुकी है कहीं ना कहीं, ऐसा आपको नहीं। एक मिनट सवाल तो बैनर्जी जी में कर रहे हैं। लालू प्रसाद कहाँ विकास की कहाँ बात कर रहे हैं, विकास के एजेंडे में है कि ये आतंक राज था तो क्या वही ऋषि मिश्रा जी बिहार की जनता जाना पसंद करेगी, कभी नहीं पसंद करेगी। ऋषि मिश्रा जी सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ जनता वोटर्स कह ले, दूसरी तरफ कार्यकर्ता, पार्टी के बहुत सारे कद्दावर नेता भी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिग्भ्रमित हैं? हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर ली, दो दशक की दुश्मनी, 17 साल की दोस्ती। आप हमको बोलने दिए श्री पूजन जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अलायंस अनाउंस हुआ 14 से 15 दिन हुआ था जब आरजेडी जेडीयू का अलायंस हुआ, और 15 दिन बाद उपचुनाव हो गया। उपचुनाव
जो अलायंस 15 दिन पहले हम लोगों का जनता दल यू आरजेडी और कांग्रेस का 15 दिन पहले हुआ, सुशील मोदी ने कहा सेमीफाइनल नहीं बोले दी और उस अलायंस का जो अलायंस सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पहले हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ, 60% सीट हमने जीता 15 दिन से। अब इसी पर दूसरा सवाल आपसे हम करना चाहते हैं ऋषि मिश्रा जी, आपका यही अलायंस झारखंड में कोई रंग नहीं दिखा पाया। ऋषि मिश्रा जी आपका यही अलायंस झारखंड में भी था, झारखंड में फेल हो चुका, झारखंड में हम लोग मजबूत नहीं है। जनता दल एक मिनट अभियान जी, मैं सवाल कर रहा हूँ ऋषि जी से, अभियान जी मैं ऋषि जी से सवाल कर रहा हूँ, झारखंड में क्यों जनता दल यही फॉर्मूला झारखंड में क्यों फेल हुआ जाता है जनता दल आरजेडी, क्योंकि हम बिहार के बिहार इज फोकस एरिया। इसके पहले पाल ठोक करके एक मिनट इसके पहले डॉक्टर अशोक आप ताल ठोक करके कहते थे कि जो गठबंधन की नींव बिहार में रखी गई है इस गठबंधन को हम दूसरे राज्यों में लेकर के जाएंगे, लेकिन हमने देखा क्या हश्र हुआ हरियाणा में गठबंधन का, नीतीश कुमार कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार करते नजर आए। दूसरी बात वही आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार में होने वाला है, आप कह सकते हैं अभयानंद जी, आप कह सकते हैं आप भी कहीं ना कहीं आपके अलायंस में भी आत्मविश्वास की कमी है, जिस वजह से आप निगाहें, मेरा सवाल तो सुन ले आत्मविश्वास की कमी है, इसी वजह से आप नजरें गड़ाए हुए हैं जदयू और राजद के नेताओं पर। एजेंडा हम तय कर रहे हैं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे, मेरा सवाल नहीं सुना अभयानंद जी मेरा सवाल तो सुन ले, आप सवाल का ही जवाब दें। मैं सीधा सवाल ये कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, जिस वजह से आज आप निगाहें लगाए बैठे हैं उन तमाम नेताओं पे जदयू और राजद के, जो आपकी पार्टी आपके अलायंस में आए ताकि आप और मजबूत हो सके। वो सही तो है गलत, वो तो राजनीति का नीति है, राजनीति का नीति है, आप इस बात से उठा करते हैं सवाल, वही चलिए आप दें संजय मयूर जी, ऐसे नेता को मैं सहस्र स्वीकार करूंगा, स्वीकार तो मत नहीं है। एक मिनट इसका जवाब है संजय मयूर जी से सुन लेते हैं, संजय मयूर जी, संजय एक मिनट अभियानंद जी, संजय नहीं मिला है हम उनको सहज संजय मयूख जी आपके प्रतिद्वंदी नहीं है, बीजेपी में है, राज्यसभा के सांसद है 2010 में, ठाकुर जी एक सेकंड एक सेकंड सुन लेते हैं, 2010 में लालू सुन लेते हैं, डॉक्टर अशोक जी सुन लेते हैं संजय मयूख जी, सर ऐसे सुनेंगे तो हमारे सुनते नहीं, हम इनको सुन लेंगे। आज मुद्दा साफ है, लालू प्रसाद जी से नीतीश कुमार जी ने हाथ मिलाया है 2010 के चुनाव में, हम इसी लालू प्रसाद के खिलाफ चुनाव जीत के आए हैं, अपने विकास के एजेंडे पाए हैं, जो विधायक जीता है जो जा रहा है, या ज्ञानू जी हो या कोई हो, जो जा रहा है वो केवल लालू विरोध के नाम पर जा रहा है, वो नीतीश जी का अंतिम जवाब आपकी ओर से, लेकिन लेकिन स्वीकारेंगे, वक्त की बहुत कमी है ऋषि मिश्रा जी, वक्त की बहुत कमी है, संक्षेप में आप अपना जवाब दें। संजय भाई बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं, जो एमएलएस जीत के आए थे एनडीए के वोट पे जीत के आए थे, ये लोग अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पे रखते हैं, तो क्यों ना आज से हम कहां हटे थे, आपने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया था, आपने बाहर का रास्ता दिखाया था, बाहर का रास्ता दिखाया, अंत में फैसला तो करना जनता को ही है, लेकिन बहरहाल अभी भी गठबंधन में विलय में बहुत सारे ऐसे पेच हैं जिसका समाधान ढूंढने की कवायद जोरों पे है, तेज है। बड़ी बहस में बस इतना ही, स्टूडियो में आने के लिए ऋषि मिश्रा जी, संजय मयूख जी, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी और प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। विंडिक्टिव आदमी कभी हो नहीं सकता है राजनीति में। तो जदयू का तो स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने किन मुद्दों पर गठबंधन तोड़ा था।